नमस्कार दोस्तों, विद्या स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी तक हमने विवर्तन की थ्योरी कंप्लीट कर ली है, व्यतिकरण और विवर्तन में डिफरेंस देख लिया है। अब हम लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन सेट लेके आए हैं और वो लेके आए हम विवर्तन के ऊपर। तो ध्यान रखना, थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपका कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल दे रखा है कि 5000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य प्रकाश के लिए एकल स्लिट या सिंगल स्लिट विवर्तन में थीटा बराबर 30 डिग्री पर प्रथम निम्निष्ट, फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, मिनिमा। और मैंने बताया था जब मिनिमा की बात होगी तो विनाशी व्यतिकरण डार्क फ्रिंज तो प्राप्त होता है, तो स्लिट की चौड़ाई क्या होगी। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि nth मिनिमा के लिए, मैंने लिखाया था आपको विवर्तन में फॉर्मूला लिखाया था कि nth मिनिमा के लिए कैसे निकालोगे। तो इसकी हाइट बताई थी आपने, क्या बताई थी, h बराबर अपने बताया था कि पथांतर गुणा डी अपॉन स्मॉल डी, ये मैंने बताया था। और पथांतर क्या बताया था मैंने, n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी एच बराबर, यहां तक मैंने बताया था आपको। और देखो फर्स्ट मिनिमा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा वन, तो लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, यहां तक मैंने आपको बताया था। इसमें यह देखना कि एक बार अपन ने यहां पर बात की थी कि पथांतर क्या होता है, पथांतर होता है डी साइन थीटा बराबर, क्या बताया था मैंने आपको, पथांतर डी साइन थीटा बराबर, यहां पर मैंने बात की थी पथांतर, पथांतर कितना है यहां पर एन लेमडा, तो लेमडा हो जाएगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा लेमडा अपॉन डी, तो डी साइन थीटा। पथांतर क्या बताया था मैंने, पथांतर बताया था कि डी साइन थीटा बराबर पथांतर, पथांतर क्या है लेमडा, यहां पर देखो एक बार। तो यहां से आप एक काम करो कि इस d को h के नीचे ले जाओ, तो h अपॉन d बराबर लेमडा अपॉन d स्मॉल d, तो h अपॉन d बराबर लेमडा अपॉन d बराबर हो गए। और यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसके बराबर, लेमडा अपॉन d को हम लिख सकते हैं sin थीटा के बराबर। चलो ये अपना न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसको इस तरह से सॉल्व करना है आपको, पथांतर दिमाग में रखना है आपको, nth मिनिमा का फॉर्मूला दिमाग में रखना है और उसको कोरिलेट करके आपको आंसर निकालना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो करेंगे उसमें भी आपको इस तरह के मैं आपको बताता रहूंगा। तो देखो एक बार, अब हम ये वाले टर्म ले लो चाहे, तो लेमडा अपॉन डी बराबर साइन थीटा, अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा अपॉन साइन थीटा। लेमडा की वैल्यू क्या दे रखी है, अपने को लेमडा दे रखा है 5000 एंगस्ट्रम, तो वैल्यू रखो एक बार, 5 इंटू 10 के पावर 3 इंटू एंगस्ट्रम कितना हो गया, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो सीधा लिख दो 1/2, तो यहां से क्या हो जाएगा, डी बराबर इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा 2 को, तो 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 मीटर। अगर आप बात करते हैं अपन सेंटीमीटर की, तो सेंटीमीटर अगर अपन करते हैं तो 10 की पावर 2 अपन गुणा कर देते हैं, तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स अगर आपके पास आ जाए कि अगर आपको स्लिट की चौड़ाई निकालनी हो, तो nth मिनिमा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने बता रखा है और पथांतर का जो मैंने फॉर्मूला बता रखा है उसको कोरिलेट करके आपको इस तरह से, अगर आपको पर्दे के बीच की दूरी पूछते तब आप ये वाला लगा देते h upon d बराबर sin थीटा, और अगर आपको स्मॉल d पूछा है तो आपने ये वाला टर्म ले लिया आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। इसमें यह लिख रखा है कि सोडियम प्रकाश की दो स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग दैर्ध्य क्रमशः 5890 एंगस्ट्रम तथा 5896 एंगस्ट्रम है,
टू माइक्रोमीटर चौड़ी स्लिट पर सोडियम लैंप द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पर्दा स्लिट से 2 मीटर दूरी पर स्थित है। पर्दे पर दोनों स्पेक्ट्रम रेखाओं के पहले उच्चिष्ट के लिए दूरी है। क्वेश्चन को समझिए, सबसे पहले क्या दे रखा है कि ये स्लिट है, ये पर्दा है, पर्दे की दूरी आपको क्या दे रखी है, दूरी आपको दे रखी है 2 मीटर। यहाँ पे इसकी स्मॉल डी क्या दे रखी है आपको, स्मॉल डी दे रखी है 2 माइक्रोमीटर। स्मॉल डी बराबर कैपिटल डी बराबर क्या दे रखा है 2 मीटर। इन्होंने बताया कि सोडियम की 2 स्पेक्ट्रम रेखाएं, मतलब सोडियम प्रकाश है उसकी 2 स्पेक्ट्रम रेखाओं इन्होंने बोल रखा है कि ये कोई 2 रेखाओं द्वारा, पहली रेखाओं द्वारा तो इनको यहां पर मिला उच्चिष्ट और सेकेंड वाले की तरफ से इनको यहां पर मिला। देखो अगर इन्होंने बोला कि 2 स्पेक्ट्रम रेखाएं, 2 अलग अलग स्पेक्ट्रम, मतलब स्पेक्ट्रम का मतलब 2 अलग अलग तरंग दे रही है कि स्पेक्ट्रम है, पहले वाले की वजह से इनको फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ मिला और सेकंड वाले की वजह से इनको फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ मिला, तो ये बता रहे कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। इन्होंने ये डेल्टा एच पूछा है, समझ में आया आपको। अलग अलग तरंग दैर्ध्य प्रकाश के लिए फर्स्ट मैक्सिमा प्रथम उच्चिष्ट बिंदु अलग अलग पॉइंट पे मिलेगा, तो पहले वाले के लिए यहाँ मिला, सेकंड वाले के लिए यहाँ मिला, तो यहाँ पे डेल्टा एच इनके बीच की दूरी बतानी है। इतनी इतनी सी बात है। तो देखो एक बार अपन बात करते हैं सबसे पहले कि इस वाले की, इसको मैंने बोल दिया लेमडा वन। लेमडा वन कितना है 5890 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को अगर मैं मीटर में चेंज करता हूँ 10^-10 मीटर। ओके, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ अगर कि फर्स्ट मैक्सिमा के लिए हाइट क्या होती है, तो हाइट का मैंने फॉर्मूला निकालता हूँ मैं, तो H1 बराबर क्या आ जाएगा। देखो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए पथांतर कितना हो जाता है 3/2 लेमडा बाई 2, याद है आपको। देखो एक बार ध्यान रखना, 2n+1 लैम्डा बाई 2 डी अपॉन स्मॉल डी, और फर्स्ट मैक्सिमा के लिए अगर अपन रखेंगे तो n बराबर क्या रख देंगे 1, तो क्या आ जाएगा 3/2। तो इसको मैं n बराबर अगर 1 रखता हूं तो क्या लिख दूंगा, देखो मैं वापस लिख रहा हूं, ध्यान रख लेना, लैम्डा बाई 2 डी अपॉन स्मॉल डी, तो 3/2 लैम्डा बाई 2 डी अपॉन स्मॉल डी, ये हो गया H1। एज इट इज क्या जाएगा H2। देखो लैम्डा 2 के लिए यहाँ पे मैंने लैम्डा 1 लिख दिया, लैम्डा 2 कितना है 5896 एंगस्ट्रम, तो मैंने 10^-10 मीटर लिख दिया। H2 क्या हो जाएगा, वापस वही 2n+1 लैम्डा बाई 2 डी अपॉन स्मॉल डी, ये फॉर्मूला होता है मैंने लिखा है। देखो मैंने पहले 2n-1 लिखा था, यहाँ मैं 2n+1 लिख रहा हूँ, दोनों फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। 2n+1 रखेंगे तो n बराबर 1 रख देंगे और 2n-1 रखेंगे तो n बराबर 2 रख देंगे, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। n बराबर 1 रखूंगा तो H2 क्या जाएगा 3/2 लैम्डा बाई 2 डी अपॉन स्मॉल डी, या लैम्डा 2 हो जाएगा। देखो कोई चेंजेस नहीं है, ध्यान रखना। अब अपने को क्या लिखाना है, अपने को डेल्टा एच H2-H1, तो करो एक बार, डेल्टा एच क्या जाएगा H2-H1, तो 3/2 डी अपॉन स्मॉल डी, देखो 3/4 हो गया ना, ये 2 और 2 क्या हो गया 3/4 डी अपॉन स्मॉल डी, तो क्या आ जाएगा लैम्डा 2-λ1। इसको सोल्व करना है, केवल कैपिटल डी की वैल्यू आपके पास है, रख दो एक बार 3/4 × 2, स्मॉल डी की वैल्यू क्या है 2 μm × 2×10^-6, और यहाँ पर देखो एक बार लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है 5896 − 5890 और 10^-10। अगर ये आप सोल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको आ जाएगा ये 9 × 10^-4 मीटर। कुछ नहीं, इसको आप सोल्व कर सकते हो आराम से। तो देखो आप एक बार, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको पूछा क्या गया है, और ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, ये है ब्राइट के लिए, उच्चिष्ट बिंदु के लिए, निम्निष्ट के लिए क्या हो जाता n लैम्डा, क्या हो जाता n लैम्डा, और
इसके उच्चिष्ट के लिए ये हो गया, निम्निष्ट के लिए एन लेमडा हो जाता। तो यहाँ पे पथांतर का ध्यान देना, यहाँ पर फॉर्मूले का ध्यान देना एक बार, और बाकी ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक स्लिट से पर्दा 2 मीटर दूरी पर है, तो आपको दे रखा है कैपिटल डी क्या हो गया 2 मीटर। केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए किसी भी ओर 5 मिलीमीटर दूरी पर प्रथम निम्निष्ट प्राप्त होता है, तो स्लिट की चौड़ाई क्या होगी। आपको क्या दे रखा है, आपको स्मॉल डी बताना है, और आपको एच दे रखा है मिनिमा के लिए। आपको मिनिमा के लिए आपको एच दे रखा है कितना है 5 mm। कौन सा, फर्स्ट मिनिमा के लिए। फर्स्ट मिनिमा की आपको हाइट दे रखी है, मतलब फर्स्ट जो डार्क फ्रिंज होगी उसकी हाइट आपको दे रखी है 5 mm, और आपको लेमडा दे रखा है कितना दे रखा है 5000 एंगस्ट्रम। बताना क्या आपको, आपको स्मॉल डी की वैल्यू बतानी है। तो देखो एक बार, मैंने यहाँ पर पहले आपको जब फॉर्मूला बताया था कि जब एंथ है ना, एंथ आपको मिनिमा है तो डार्क है ना, एंथ डार्क फ्रिंज की जो हाइट क्या होगी, इसका मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, वो बताया था पथांतर गुणा डी अपॉन स्मॉल डी। पथांतर क्या बताया था मैंने, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। अब देखो यहां पर क्या बोला, प्रथम निम्निष्ट फर्स्ट मिनिमा, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो एच बराबर क्या आ गया, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। अब आपको क्या बताना है, स्मॉल डी बताना है, तो डी इधर ले जाओ और एच को नीचे लेके आ जाओ। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो स्मॉल डी बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा डी अपॉन एच। अब देखो डी आप बता सकते हो, लैम्डा कितना है 5000 इंटू एंगस्ट्रम में मीटर में चेंज कर दो। डी कितना है 2 मीटर, पहले से मीटर में है। एच कितना है, एच है 5 मिलीमीटर, तो 5 × 10⁻³। जब इसको सोल्व करते हैं अपन तो कितना आ जाएगा, देखो एक बार ये आ जाएगा 10⁴ × 10⁻¹0। देखो अगर ये 10,000 हो गया ना 10⁴, और ये हो जाएगा 5 × 10⁻³, और इसको अपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 × 10⁻³। इसको अपन लिख सकते हैं 0.2 × 10⁻³, और इसको अपन 2 × 10⁻⁴ मीटर। ये अपने पास आंसर आ गया। अगर माइक्रोमीटर में पूछा तो माइक्रोमीटर में बता सकते हो, यहाँ पे आंसर क्या है सिर्फ मीटर में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो मीटर में क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो एक बार। 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य का समतल तरंगागर 0.2 mm चौड़ी एक स्लिट पर लंबवत आपतित होता है, जिससे विवर्तन प्रतिरूप 2 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर प्राप्त होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी। देखो आपको कैपिटल डी आपको दे रखा है 2 मीटर, स्मॉल डी क्या दे रखा है आपको 0.2 mm, लैम्डा क्या दे रखा है आपको 6000 एंगस्ट्रम। देखो यहां पर आपको सेंट्रल फ्रिंज की चौड़ाई बतानी है, विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। अभी मैंने आपको जब बताया था विवर्तन की, जब मैंने आपको थ्योरी बताई थी, तब मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेंट्रल फ्रिंज होगी वो बाकी फ्रिंज की अगर चौड़ाई से दुगुनी होगी। अगर ब्राइट फ्रिंज की अगर चौड़ाई एच है तो सेंटर की कितनी हो जाएगी 2h। तो देखो एक बार, इसमें सबसे पहले आप ब्राइट, देखो ब्राइट फ्रिंज की या डार्क फ्रिंज की पहले चौड़ाई पता करो। तो किसी भी, देखो विवर्तन प्रतिरूप में किसी भी ब्राइट फ्रिंज है या डार्क फ्रिंज है उसकी चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पर, वहां अगर मैं भूल गया था लिखना कि थ्योरी में विवर्तन प्रतिरूप में, लिख लो एक बार, विवर्तन प्रतिरूप में ब्राइट या डार्क, देखो मैं यहाँ पे ऊंचाई नहीं बता रहा, मैं सेंट्रल फ्रिंज से ऊंचाई नहीं बता रहा, मैं सिर्फ फ्रिंज की चौड़ाई बता रहा हूं, ध्यान रखना। सेंट्रल विवर्तन प्रतिरूप में डार्क या ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, चौड़ाई होती है वो होती है, इसको मैंने W बोल दिया, तो W बराबर क्या होता है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये लिख लो एक बार, इंपॉर्टेंट है, विवर्तन प्रतिरूप में ब्राइट या डार्क फ्रिंज की चौड़ाई, चाहे ब्राइट हो या डार्क हो, देखो डार्क होगा या ब्राइट होगा उसकी फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। अब देखो सेंट्रल जो फ्रिंज होती है उसकी चौड़ाई क्या होगी, डबल होगी, तो
सेंट्रल फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी 2W, तो क्या हो जाएगी सेंट्रल फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी अपनी लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, दो से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा कितना अपने पास 6000 एंगस्ट्रम, तो 10^-10 मीटर। कैपिटल डी अपने को कितना दे रखा है 2 मीटर, पहले से मीटर में दे रखा है। स्मॉल डी कितना है 0.2 × 10^-3, देखो मिलीमीटर में दे रखा है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करके देखो एक बार, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं नीचे वाले को लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, गुणा कर दो इसको, और 6000 तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 × 10^3 × 10^-10 अपॉन, इसको लिख सकता हूँ 2 × 10^-4। अब देखो एक बार इसको अगर अपन सोल्व करेंगे आगे तो ये 10 का यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं इसको 24 × ये कितना आ जाएगा 10^-7 और ये कितना आ जाएगा 2 × 10^-4। अपने को किसमें बताना है मिलीमीटर में, तो अगर ये 4 ऊपर जाएगा तो -3 तो कितना आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 10^-3 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 mm, देखो अपने पास ये आ गया 12 × 10^-3 मीटर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 12 mm, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सी। तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाना जब भी आपको किसी भी, ध्यान रखना विवर्तन प्रतिरूप में अगर आपको ब्राइट या डार्क फ्रिंज की चौड़ाई पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आंखें बंद करके ये वाला फॉर्मूला लगाना लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। और अगर आपको केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई पूछे तो इससे डबल कर देना, क्योंकि केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई हमेशा ब्राइट और डार्क फ्रिंज की अपेक्षा डबल होती है, तो इस वाले फॉर्मूले में 2 से गुणा करना तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई। तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ अपन थ्योरी के क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो मैंने यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ आपके लिए थ्योरी क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रखा है कि प्रकाश एक तरंग गति है फिर भी सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्योंकि ये बता रहा है कि प्रकाश तरंग है लेकिन फिर भी एक डायरेक्शन क्या रहती है प्रकाश की, एकदम रे की तरह रहती है, सीधी रहती है। तो प्रकाश का वेग अधिक होता है, प्रकाश की आवृत्ति कम है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम और पर उपरोक्त एक भी नहीं। तो देखो सबसे पहला रीजन ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रकाश की आवृत्ति अधिक रहती है। दूसरा क्या है, प्रकाश का वेग अधिक होता है लेकिन वेग अधिक होने से यह सीधी रेखा में गति करेगा, इसका कोई सेंस नहीं निकलता। थर्ड देखो, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है, लैम्डा बहुत कम होती है और लैम्डा प्रकाश की होती है वो नैनोमीटर की ऑर्डर की होती है 10^-9 में। तो जब लैम्डा बहुत कम है तो प्रकाश तरंग तो गति होती है लेकिन अपने को क्या दिखता है, इसके अंदर तरंग गति हो रही है लेकिन अपने को एक सीधी रेखा में दिखता है, बहुत ही कहते हैं ना कि एकदम कंसाइज होके बिल्कुल इसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो बिल्कुल अपने को इसकी तरंग दैर्ध्य कम होने की वजह से अपने को सीधी रेखा में दिखता है। इसके विपरीत ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है प्रकाश के मुकाबले, इसलिए वो हमको एक सीधी रेखा में गति करता हुआ नहीं दिखता, एक रे की तरह नहीं दिखता लेकिन प्रकाश एक सीधी रेखा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रकाश का लैम्डा कम होता है। नेक्स्ट देखो एक बार, विवर्तन की घटना होती है केवल प्रकाश एवं ध्वनि तरंगों में, सभी प्रकार की तरंगों के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए और एक्स किरणों के लिए। तो देखो प्रकाश में विवर्तन होता है, ध्वनि में विवर्तन होता है, तरंगों में, चुंबकीय तरंगों में होता है और एक्स किरणों में भी होता है। देखो यहाँ पर सब सही है लेकिन ज्यादा सही कौन सा है, पहले वाला सही है लेकिन पूरा सही है क्या नहीं। दूसरा देखो, विवर्तन और व्यतिकरण की घटनाएं होती है वो तरंगों के लिए होती है, वो तरंगे कुछ भी हो सकती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हो सकती है, ध्वनि तरंगे हो सकती है। तो ध्यान क्या रखना, तरंगों में होती है, उसमें प्रकाश तरंग भी आ गई, ध्वनि भी आ गई, एक्सरे भी आ गई और विद्युत चुंबकीय भी आ गई। तो लेकिन ध्यान क्या रखना कि विवर्तन की घटना किसके लिए होती है, तरंगों के लिए, तो ऑप्शन बी सही आ गया। यहाँ पर हमने प्रकाश का विवर्तन पढ़ा है, प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ा है, लेकिन ध्यान रखना मैं बोल रहा हूँ और पीछे वाले कमरे में आवाज सुनाई दे सकती है,
और अगर लाइट है वो पीछे वाले कमरे में नहीं जा रही, लेकिन दोनों में विवर्तन हो रहा है ना, ध्वनि में विवर्तन हो रहा है, प्रकाश में हो रहा है, तो यहाँ पे ध्वनि और प्रकाश दोनों की बात करेंगे तो तरंगों में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन किए हैं इसमें विवर्तन के, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ध्रुवण क्या होता है, ध्रुवण के बारे में पढ़ेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे ध्रुवण के न्यूमेरिकल्स। तो वीडियो देखते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्रैक्टिस करते रहिए।